यार। ओ, ओ, भूत, ओ, भूत। अबे भूत नहीं कह रहा मैं, भूत Alright family, तो हम आ गए हैं शिमला 600 किलोमीटर फ्रॉम डेली ऑल द वे आपके लिए। तो मैं इतना 600 किलोमीटर आपके लिए ट्रैवल कर सकता हूँ, तो आप इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले एक लाइक तो दे सकते हो ना। लाइक मांगने की निंजा टेक्निक बाय फुकरा इंसान। बड़ा हरामी हो बेटा। अब हम रहने वाले इस माउंटेन पे 24 आवर्स के लिए। हम लगाने वाले कैंप, बहुत मस्ती होने वाली है, अपना खाना खुद बनाने वाले हैं भाई, चूल्हा वूल्हा सब लेके आए हुए हैं, ये सब तैयारी करते हैं। लेट्स गो फैम। एंड अभी यहाँ से टॉय ट्रेन गई और मैंने उसको रिकॉर्ड करा, वो इतनी अमेजिंग लग रही थी एंड बिल्कुल वॉरियर्स बन गए। कहाँ जा रहे हो भाई? ये ट्रेन के नीचे ही आएगा भाई बंदा। पबजी वाला पैन है पूरा। लो ओके, मैं इनकी बहुत मेहनत करा रहा हूँ क्योंकि अभी भी हमें आगे जाना है एंड दिस इज गोना बी द क्रेजीस्ट वीडियो ऑफ द चैनल, सो मजा आने वाला। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब डॉग द नाल, लेट्स गो। लोकेशन पे हम पहुंचने वाले हैं एंड लेट्स चेक आउट द लोकेशन नेक्स्ट, लेट्स गो। एंड देन हमें मिली एक बहुत प्यारी लोकेशन, तो हमने डिसाइड करा कि भाई यहीं पर लगाएंगे हम अपना टेंट। खुल गया भाई, हमारा घर बन भी गया। दिस इज गोना बी आवर हाउस फॉर 24 आवर्स। एंड यू नो व्हाट, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे स्पेक्टेटर्स हैं, ये जो अपना मुंह छुपा रहे हैं। हाय स्पेक्टेटर्स। हाय, मेरा नाम क्या है? यस यस, अब हम शिमला तक पॉपुलर हो गए। 150 रुपए दिया बस मैंने इसको ये बोलने के लिए। तो हमारे पास दो कैंप्स हैं एंड हमारी तीनों की साइज और फिगर देख के आपको पता है हम एक में तो फिट नहीं आ सकते। तो एक मैंने दे दिया नितिश और सौरभ भाई को और एक में मैं अकेला रहने वाला राजा की तरह। हमने अभी लोकेशन डिसाइड करी थी कि हमारे टेंट कहाँ लगने हैं एंड जस्ट अभी प्लेसमेंट हुई थी घर की, बट नितिश एंड जासूस भाई डिसाइडेड कि वो अपना घर अलग से लगाने वाले हैं। तो एक तरीके से ये चैलेंज हो गया कि उनका कैंप ज्यादा अच्छा होने वाला है या मेरा कैंप ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये हमारा घर है और ये हमारे घर की लोकेशन है और वो उसका घर है, वो सड़ा सा। भाई खाना लेके जाऊंगा, मैगी लेके आया अपने लिए। ओके फैमिली, तो मैं पड़ गया हूँ अकेला अब, बट मैं ये मौसम देख रहा हूँ मेरे सामने, लाइक लिटरली आप इधर उधर देखोगे ना तो बादल ही बादल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस फॉर लाइक कैंपिंग आई बिलीव। और मैं अब ये सारी चीजें अनबॉक्स कर रहा हूँ ताकि अपने अंदर रात का जुगाड़ कर सकूँ। लाइट होनी चाहिए, उसके अंदर मेरे को आग वाग भी लगानी है। अबे बाहर आ गई हाथ में गई लाइट। अबे ये क्या करना था इसका? हाँ ये हो गई ना लाइट ऑन, ये लैंप मेरी रात को लगाने के लिए काम आएगी। भाई बहुत दिक्कत हो गई है, यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई है एंड ये मैंने आग लगाई है, बिल्कुल वेस्ट होने वाली है। एंड अब मेरा काम है सबसे पहले चीज़ें अंदर डालना एंड मेरे कैंप में डॉगू घुस गया यार, मुझे डर लग रहा है। ओ भाई डॉगू बेबी, मुझे बहुत डर लगता है डॉग से यार, बट ये इतना प्यारा सा है, मैं इसको क्या बोलूँ। बारिश तो इसको भी लगती है ना, कोई नहीं पड़ा रहे भाई। चले यार तब तक ये यहाँ पर पड़ा है, हम ऊपर वाले कैंप में चलते हैं क्योंकि भाई मैं डॉग्स के साथ एक कैंप में सच में बहुत डर लगता है। भाई ये तो सिली कर लग गया। अबे क्या कर रहे हो? अरे बंद करो। ये भाई आग लगा रहा है ये बंदा। अरे ये बॉम्ब ब्लास्ट था करेगा भाई। इसका तो वैसे ही नाम जासूस है, इसका तो वैसे ही नाम जासूस है, ये कहीं हमारे पे बॉम्ब फेंक दे भाई। बेकार बंदा है भाई ये। मौसम हो गया था खराब एंड बारिश हो गई थी चालू, तो हमने डिसाइड करा अपने दोनों कैंप्स इकट्ठे लगाएंगे, अपना खाना इकट्ठे बनाएंगे, 24 आवर्स इकट्ठे सरवाइव करेंगे। बट फिर आ गए, मेरा कैंप उठा के लाओ, उसके अंदर सारा सामान है। गो गो ओ जी हजूर बोल के जाओ। जी हजूर मालिक। बहुत वेरी गुड। अरे नहीं नहीं यार भाई हो यार, चलो जाओ जाओ। अ फ्यू इंचेस लेटर। मैगी फॉर फुकरा फैमिली, स्पेशल मैगी फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम शिमला। यस लेट्स गो। अब डालो मसाला, पानी थोड़ा पानी डालो, चारों डाल दी। देखो भाई कहीं भी आओ गंद मत मचाओ, सारी चीजें हमने गंद रखने के लिए एक बैग रखा हुआ है, इसमें हम सब रखेंगे, उसको डिस्पोज करेंगे। वी आर गुड बॉयज। Hi, it's me, me.
ओके तो आई नीड टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि मैंने जूते नहीं पहने हुए एंड ट्रेन ट्रेन अरे ट्रेन 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 तो लेट्स गो लकड़ी लेके आएंगे अपनी मैगी बनाएंगे लकड़ियां पड़ गई कम क्योंकि बारिश हो गई ज्यादा दौड़ दौड़ भाग भाग सा दौड़ दौड़ भाग भाग सा मुझे कसम से डर लग रहा है कहीं सांप सूट ना निकल जाए ये काम आएगी नहीं आएगी ये तो नीचे जाके पता चलेगा थोड़ी सी और तोड़ लेते हैं सॉरी पेड़ बाबू आई लव यू बट वी नीड सम लकड़ी टुडे आ जाओ ओके तो थोड़ी और लकड़ी हमें मिल गई है एंड भाई मौसम का समझ नहीं आ रहा अब धूप आ गई है कभी बारिश बादल हमारे दिल्ली में ऐसा नहीं होता बट आई लव शिमला लेट्स गो मास्टर शेफ अभिषेक पहाड़ों में मैगी का स्वाद ना वैसे अलग ही लगता है वो भी जो हमने खुद बनाई हो ना उसका टेस्ट ही अलग है देखो हम वो चूल्हा जलाते जलाते इतनी तो उसके अंदर चीजें चली गई ना तो वो हर चीज का टेस्ट आ रहा है बट इट इज फन और सौरभ भाई गए हैं थोड़ा करने तो हम उनका हल्का होने का उनका वेट कर रहे हैं उनके साथ कैमरा नहीं बेच सकते थे ना एक्सपोज हो जाता ऑलराइट फैमिली तो मेरा एक सीक्रेट प्लान है कि मैं इनको ना प्रैंक करूं रात को क्योंकि भाई देखो हमने दो टेंट लगा रखे हैं एंड अगर इनको रात को आवाज आती है टेंट से कि एकदम स्पूकी अबे ओए 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 पागल क्या कर रहा ठीक है ना हाँ अबे भाई मेरा चोट लग ओए भाई की तू पागल है ये तो खाई कितनी गहरी है अबे खाई ओए तो मतलब क्या होता है कि कैमरे पे जब ध्यान होता है और पीछे खाइयाँ वाइयाँ ना तो इंसान को लग सकती है तो आई रिक्वेस्ट जो भी अगर कभी भी ऐसी जगहों पे आता है या वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो बी केयरफुल एंड अभी तो इसके साथ सुपरमैन मैं था तो मैंने इसको बचा लिया बट मेरे को कौन बचाएगा व्हाट आर योर सुपर पावर्स अगेन आई एम रिच ओके तो पानी खत्म हो गया एंड रात निकालनी मुश्किल हो जाएगी बिना पानी के मैं सबसे मतलब मेरे को ना कीड़ा अंदर रात रात को उठ उठ के पानी पीने की तो लेट्स गो पानी लेके आते हैं ढूंढते हैं फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा लेट्स गो फैम बट भाई कसम से एडवेंचर बना दिया यूट्यूब के चक्कर में भाई पानी की आवाज़ आ रही है आगे यही मिलेगा कहीं पानी आ जाओ जो ओके तो बहुत देर लगी हमें नीचे आने में एंड यहाँ पर हमें एक टूटी मिली है एंड इसका फ्रेश वाटर है या कैसा वाटर है नलके का पानी है पी के पता चलेगा ओके तो मैं ट्राई करने लगा हूँ ये पानी कैसा है बहुत ही टेस्टी यार कसम से पहाड़ों का पानी नेक्स्ट लेवल है भाई पर दिक्कत पता क्या है अब जितनी नीचे आए अब उतनी ऊपर जाना है हमें ये 5 लीटर की केनी पकड़ के लेके जानी पड़ेगी चलो लेट्स गो चलो चले मितवा पता नहीं यार अभिषेक भाई कहाँ रह गए यार पानी लेने गए हैं पानी बनाने गए इतनी देर हो गई यहाँ पे इतने ज्यादा तो मच्छर है मैंने फुल स्लीव अपनी शर्ट को कर लिया सबसे मेन इम्पोर्टेंट है प्रेशर आ रहा है बहुत तेज का फ्रेश होने जाऊंगा पानी छोड़ा नहीं हाथ कैसे दूंगा मुझे लगता है मेरे को क्विट करना पड़ेगा होटल ही जाना पड़ेगा यार अभिषेक भाई आएंगे मैं बोल दूंगा मुझसे नहीं हो रहा भाई हमसे ना हो पाएगा अबे यार किधर रह गए यार भाई बाहर ही चल के मेरे को देखना पड़ेगा उनको मैं बोल रहा हूँ भाई मैं मेरे से नहीं हो रहा यार परेशान हो गया पता नहीं अभिषेक भाई कहाँ है वहाँ नीचे जाके देखता हूँ मैं क्या आ गए यार इतनी देर होती है क्या बनाने गए थे लेने गए थे पानी क्या हो गया मतलब इतनी देर हो गया मच्छरों ने खा परेशान कर दिया ना कोई नहीं ना नेट बंद कर लो भाई उसमें क्या दिक्कत है ना बस यार एक और मेरे को प्रेशर आ गया मच्छरों से छोड़ो अब मैं जा रहा हूँ होटल पे ये पकड़ो पानी और कहीं कर लो कोने में नहीं हो रहा अरे चलो यार मैं आ जाऊँगा आपके पास मेरे को किराने दार प्रेशर सुना लो भाई तुम्हारी मर्जी है वो तो फिर चैलेंज क्विट कर रहे हो तुम हैं क्विट कर रहे हो पहले क्विट मान लो यार क्विट मान लो कितना टाइम लगेगा इसको जलने में भाई 2 से 5 मिनट लगेंगे अब हमारे पास सिर्फ नितिश रह गए हैं और मोपी जी रह गए हैं जो हमारा कैमरा पकड़ रहे थे एंड अब हमें मिलने वाले हैं पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न बनाने की तैयारी हो रही है भाई वो एक बंदा तो धोखेबाज निकला भाई यार कितना फन है ना ये देख रहे हो आप मैं आराम से टेंट में बैठा हूँ और मज़ा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा और वो थोड़ा मेरा काम करें ऐसा नहीं है सबको वो मतलब
मतलब पता है क्या होता है, कुछ कुछ होते हैं ना जो लोग ग्रुप प्रोजेक्ट में होते हैं बट सिर्फ नाम के लिए होते हैं, वो कुछ नहीं करते, मैं उनमें से हूँ। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो आओ मारो मारो, अरे अरे इतना मत मार, अरे इतना मत मार। पॉपकॉर्न के अंदर जो मक्खन होता है ना उससे हम आग लगाने वाले हैं। नितिश तू इधर देख, बिग ब्रेन्स ब्रदर, भाई बहुत तेज दिमाग लगा रहे हैं, आग लगनी रही थी तो। ओके तो मैंने कहा मैं तुम्हें बना के दिखाता हूँ पॉपकॉर्न, पहले हमें आग नहीं बुझने देनी, पर वो तो दे पॉपकॉर्न का पैकेट, ये ले भाई पॉपकॉर्न। ओ भाई अब एक दिक्कत है, ये पॉपकॉर्न जो है ना ये उड़ेंगे ऊपर प्लेट, तो प्लेट को भी ऐसे रखना पड़ेगा, अभी प्लेट आग पकड़ लेगी भाई। थोड़ा ऊपर कर लो ना, इतनी जरूरत नहीं है इसको आग की, पॉपकॉर्न बस ऐसे रख ले, ऐसे रख ले, ऐसे सही है। वैसे यार ये बहुत फन है, मजा आ रहा है, कैंपिंग इज नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस भाई। और इस वक्त बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, डार्क रूम नाम है कोई। भाई ऐसे भूतिया बातों से दूरी रखो। ओ भाई सामने मत देख बस, अब तो भाई डेंजरस हो रहा है। पॉपकॉर्न वी वांना ईट यू पॉपकॉर्न, ताबा ताबा ताबा, सारा भूते खाएंगे पॉपकॉर्न खाएंगे शिमला की वादियों में। प्लेट जलगी भाई। अबे यार एक तो ये मेरे को वाइब लेने दो भाई, प्लेट प्लेट बाद में चलाना। अर्ज किया है दुनिया छोड़ गई रंग पुराना, दुनिया छोड़ गई रंग पुराना, अब मुझे लगता है हमें चाहिए सो जाना। हंसते यार, हंसते यार, वाह वाह वाह। कुछ भी कुछ भी, हाय साथ दिए ये साला, मैं कह रहा हूं देखूं हमारा शेफ ही खराब है। बहुत बुरे तुम तो आराम लो, मेरा टाइम थोड़ा सोने का क्योंकि सुबह जल्दी उठेंगे 4-5 बजे यहाँ से निकलेंगे, बहुत हो गया भाई, इट्स टाइम टू स्लीप। Alright family, so it's 11:36 in my watch right now and मैं यहाँ बंद हो चुका हूँ, यहाँ पर तीन लाइट्स हैं एंड तीन में से लिटरली सिर्फ एक वर्क कर रही है एंड सारी लाइट्स बाकी बंद हो चुकी है एंड इट्स गोना बी फन। बस अब आज की रात सुबह जितनी जल्दी नींद खुलेगी उतनी जल्दी हम चेकआउट करेंगे यहाँ से, चेकआउट इन द सेंस ये बंद बंद करेंगे, पैक करेंगे, निकलेंगे। A few inches later, गाइस मेरे को अभी एक आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई, आई डोंट नो वो क्या आवाज़ थी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरा किसी ने कैंप हिलाया, तो एक बार मैं बाहर जाके देखता हूँ क्या सिचुएशन है। भाई कुछ नहीं दिख रहा बाहर, यहाँ पर तक कुछ नहीं है। एक बार मैं अभिषेक को उठा देता हूँ और उसको बता देता हूँ कि, क्योंकि भाई मेरे को सच्ची में बहुत डर लग रहा है भाई, पता नहीं कोई आवाज़ आई मेरे को और ऐसा लगा मेरा किसी ने टेंट हिला दिया यार। अरे कुछ नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर फॉरेस्ट है, हवा तेज चलती है तो भाई हवा तो बाहर पता नहीं चल रहा, अभी मैंने जाके देखा है तभी तो तुझे कह रहा हूँ यार। यार भाई चलने में कुछ, मैं यार ऐसे थोड़ी ना उठ जाऊंगा, बस भाई सो गया था यार मैं, मुझे नहीं पता यार मैं सो रहा था। पागल वागल है क्या, चल अपने बिस्तर में जा चुपचाप यार। हो भूत, हो भूत, अबे भूत नहीं कह रहा मैं, भूत मेरी बात तो सुन ले, भूत नहीं कह रहा भाई, मतलब यार कभी कभी होता है ना कि मतलब अपनी सेफ्टी पहले होती है यार। चलो मन का वहम है, ये देख भाई आवाज यहाँ पर चर्पिंग के अलावा कोई और आवाज नहीं है, ऊपर से अगर कोई भी एनिमल होता है कुछ होता है भाई तेरे को, तेरे टेंट सेफ है, तू चुपचाप जाके सो जा। The next day, alright family, so it was one of the best nights of my life, और अभी सूरज उग चुका है एंड कसम से ऐसे किरणें पड़ रही हैं, बट बहुत मजा आया। अभी मैंने सबको बोल दिया है कि उठ जाओ, दूसरे कैंप में वो अभी भी सो रहे हैं, बट मैं उठ गया था, मैंने कहा वीडियो को एंड करना है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मैम। लाइक द वीडियो, कमेंट योर फेवरेट पार्ट, गिटार मुझे बजाना आता नहीं पर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा चलता हूँ।